फ्रेंड्स, वैम्पायर स्टडी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करते हैं फिजिक्स के टॉपिक जिसका नाम है साउंड की। ठीक है, अगर हम साउंड वेव की बात करें तो जनरल आप ये याद रखें कि जो साउंड है ये एक प्रकार की तरंग होती है। तरंग यानी वेव, तो एक प्रकार की वेव है ये। अब वेव की बात करें तो वेव होती है टू टाइप्स की। कौन कौन सी होंगी? एक का नाम होता है मैकेनिकल और एक का नाम होता है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल की बात करें तो इसे कहते हैं हम यांत्रिक, यानी यंत्रों के द्वारा, और नॉन मैकेनिकल की बात करें इसे कहते हैं अयांत्रिक। अब देखिए, हमने देखा ना तरंग दो प्रकार की होती है। यांत्रिक की बात करें तो वो वेव या वो तरंग जिसके अंदर कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है उसे कहा जाता है यांत्रिक तरंगे, और अयांत्रिक जिसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फर्दर बात करें जो मैकेनिकल होगी, मैकेनिकल को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? दो पार्ट में। एक का नाम होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरे का नाम होता है ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो इसे हिंदी में कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंग, और ट्रांसवर्स को कहते हैं हम अनु प्रस्थ तरंग। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वो वेव होती हैं जो किसी मीडियम के बिल्कुल साथ साथ चलेंगी, यानी मीडियम अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव भी इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी माध्यम के साथ में जो गमन करें। और ट्रांसवर्स की बात करें तो ये माध्यम के हमेशा ही लंबवत पाई जाती है, यानी माध्यम अगर हमारा इस तरीके से मीडियम ऐसे चल रहा है तो जो वेव होंगी ट्रांसवर्स वो उसके क्या होंगी? बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी। तो ये कहलाती है हमारी ट्रांसवर। देखिए, तो ये बात थी हमारी डेफिनेशंस की। अगर हम आगे नॉन मैकेनिकल स्ट्रीम की बात करें, इसमें एग्जांपल आते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, चुंबकीय तरंग आएंगे इसके अंदर, और साथ में प्रकाश आएगी। अगर हम प्रकाश यानी लाइट की बात करें तो प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्रकाश की बात करें, प्रकाश को हम 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं जो कि हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती हैं, जैसे कि एक्सरे हो गई, गामा रेज हैं, कॉस्मिक रेज हो गई, इंफ्रारेड रेडिएशंस, उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं आपकी, और कॉस्मिक रेज होती हैं। तो सारी की सारी आपकी किस में आ जाएंगी? प्रकाश की चाल के साथ ही। और एक्सरे की बात करें तो एक्सरे के बारे में पूछ रहे थे थोड़ा सा कि इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो इसकी डिस्कवरी करी थी रोडजेन बेकन ने। थोड़ा सा ध्यान रखना आप, यानी अगर हम इन चीजों की बात करें तो जितनी भी प्रकाश के बारे में तरंग देखें तो वो सारे के सारे किस में आएंगी? नॉन मैकेनिकल, जिन्हें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य की। मैकेनिकल में हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक अनुदैर्ध्य और दूसरा पढ़ा था अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक जो साउंड की बात करें वो किसके ऊपर बेस्ड है? अनुदैर्ध्य पे। और हम याद कर लेंगे कि जो ध्वनि है यानी साउंड है हमारी, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करें, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन करते हैं। इज द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ अ टाइम, यानी पर्टिकुलर यूनिट के अंदर वो कितना इवेंट को क्लियर करती है वो क्या कहलाएगी? हमारी फ्रीक्वेंसी। यानी कोई आवर्त घटना इकाई समय में जितनी बार घटित हो, जितनी बार मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम आवर्ती की बात करें तो आवर्ती के आधार पर हमारा साउंड की वेव होती है तीन प्रकार की बात करें। इंफ्रासोनिक, एक का नाम होता है ऑडिबल, और एक का नाम होता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक को हिंदी में कहा जाता है प्राश्रव्य, ऑडिबल को कहते हैं श्रव्य जिसे हम सुन सकते हैं जनरली, और इंफ्रासोनिक को कहते हैं अवश्रव्य। ये ध्यान रखना। अब एक बात आ जाती है, जो आवर्ती है उसका जर्नल फॉर्मूला बनता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हमारे टाइम के कोरस्पॉन्डिंग, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा हमारा टाइम लिमिट कम होगा, या फिर जितनी कम हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा हमारी टाइम लिमिट होगी। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा ही क्या होती है? टाइम पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग, यानी उसके अपोजिट पाई जाएगी। इस वजह से यहाँ से फ्रीक्वेंसी की यूनिट निकल के आती है जिसे हम कहते हैं सेकेंड इनवर्स। सेकेंड यानी टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं ना, इसलिए यूनिट आ जाएगी इसकी सेकेंड इनवर्स की। आवर्ती के आधार पर हमने बात करी थी कितने प्रकार की थी? तीन, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, और हम लास्ट बात करें अल्ट्रासोनिक की। आवर्ती की बात करें तो आवर्ती को हम हमेशा किस में मापते हैं?
हर्ज के अंदर, जैसे टेम्परेचर को सेकंड में, किसी भी दूरी की बात करें उसको मीटर में मापा जाता है, वैसे ही आवृत्ति को मापते हैं हम हर्ज में। अगर हम हर्ज में इनकी वैल्यू को मेंशन करें तो इंफ्रासोनिक की होती है 20 हर्ज से कम, ऑडिबल की होती है 20 to 20,000 हर्ज के बीच में, और अल्ट्रासोनिक की होती है 20,000 हर्ज से ज्यादा। एग्जाम्पल्स की बात करें, जितने भी आर्थ्रोपोड यानी जितने भी इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच है, स्कॉर्पियो है या फिर स्पाइडर है, वो सारे इसमें आते हैं आपके, और साथ में मोलस्का यानी ऑक्टोपस। आया हुआ क्वेश्चन है ऑक्टोपस कैटेगरी के लिए कि इसके अंदर किस प्रकार की ध्वनि तरंग पाई जाएगी। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य कौन से सुन सकता है, ऑडिबल, ऑडिबल यानी श्रव्य ध्वनि को ही मनुष्य सुन सकता है। अल्ट्रासोनिक की बात करें तो कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ में, उसके अलावा जैसे ब्रेन ट्यूमर के इलाज में, गठिया रोग के अंदर सिग्नल भेजने के लिए, अगर दूध में कोई कीटाणु हो उन्हें नष्ट करने के लिए, या फिर हम क्या बात कर सकते हैं इसके अंदर सोनार सिस्टम के लिए, इन सभी सिस्टम्स, इन सभी यूजेस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का। देखिए अगर हम ध्वनि की चाल की बात करें, यहाँ पे ध्वनि की चाल यानी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये क्या है, मैकेनिकल, मैकेनिकल यानी जिसके अंदर कोई ना कोई मीडियम चाहिए। मीडियम क्या हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या कोई भी वैक्यूम हो सकता है। अगर हम वैक्यूम की बात करें, आया हुआ क्वेश्चन है कि वैक्यूम यानी निर्वात के अंदर ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आप याद रखना निर्वात में होती है 0 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अंदर जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो वो हमारी होती है 332 मीटर पर सेकंड होगी। द्रव के अंदर यानी लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर होती है हमारी 1483 मीटर पर सेकंड होगी, और अगर जो हम ठोस की बात करें तो इसकी होती है 1530 मीटर पर सेकंड होगी। यानी सबसे ज्यादा देखी जाए 1530 है, किसके अंदर है, वो हमारे ठोस में। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे, इनमें से सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल किसमें होती है, ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, और सबसे कम यानी जीरो किसमें होती है, निर्वात के अंदर। साथ में एक चीज याद रखना कि हमने बात की थी यहाँ पर अभी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, अगर हम एक मीडियम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, एक मीडियम से किसी भी मीडियम में जाएं तो हमारी आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखना, क्या पता कोई क्वेश्चन बने कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आवृत्ति कितनी चेंज हो सकती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वहां पर वो आवृत्ति बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, यानी कौन कौन से कारक हैं जो हमारी ध्वनि की चाल को प्रभावित करेंगे। सबसे पहले बात आती है टेम्परेचर की। जर्मन से याद रखो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ता है। हम याद कैसे करेंगे, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.61 मीटर पर सेकंड इतनी बढ़ सकती है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो इतनी हमारी स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा। अगली बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर की याद रखना, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी प्रेशर चाहे हमारा बढ़ जाए या घट जाए तो प्रेशर के बढ़ने घटने पर हमारी स्पीड ऑफ साउंड पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और लास्ट बात करते हैं हम डेंसिटी की। सबसे पहले याद करते हैं डेंसिटी यानी घनत्व, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसको सिंबल के अंदर लिखे तो डेंसिटी का सिंबल होता है रो, मास का सिंबल होता है एम, और वॉल्यूम का सिंबल होता है वी। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है हमारी डेंसिटी का। डेंसिटी में देखो, ये याद रखो, जितनी ज्यादा हम डेंसिटी को बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारा मास बढ़ेगा, और अपोजिट क्या हो जाएगी, हमारी वॉल्यूम कम हो जाएगी। दूसरा प्रोसेस क्या ले सकते हैं, रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं, अगर हम डेंसिटी यानी घनत्व को कम करते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग उस ऑब्जेक्ट का मास भी कम होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो हम जनरली क्या याद रखेंगे कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा वहां पर कम। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, शुष्क हवा और नमी वाली हवा में से साउंड किसके अंदर ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। देखो शुष्क हवा की बात करें तो उसमें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाएगी और नमी वाली हवा के अंदर पानी पाया जाता है। अगर हम इसकी मास निकालने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन का मास होता है 16 × 2 यानी 32 ग्राम, और नमी वाली बात करें H2O की, पानी की, तो इसका मास होता है 1 × 2 + 16 यानी यहां से कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तो अगर हम इन वैल्यू को देखें दोनों को, तो 32 यानी शुष्क हवा की ज्यादा है, तो हमने यहाँ पे देखा 32 ग्राम ज्यादा वेट है, तो ये किसको मेंशन करता है यहाँ पर, हमारे इस वाले फॉर्मूले को। यानी इसकी बात करें तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे मास भी ज्यादा होगा लेकिन उसकी वॉल्यूम हो जाएगी कम, वॉल्यूम कम होगी, इसी कोरस्पोंडिंग हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे साउंड कैसा होगा हमारा,
कम होगा। और दूसरी बात करते हैं नमी वाली हवा, यानी यहाँ पे मास की बात करें तो इसके कोरस्पोंडिंग वो कम है। और ये किसे मेंशन करेगा, इस वाले फॉर्मूले को, यानी यहाँ पे क्या लिख रखा है, अगर डेंसिटी कम होती है तो हमारी मास यूनिट भी कम होगी और साथ में हमारी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो यहाँ पे हमारा साउंड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, शुष्क और नमी वाली हवा में से किस में घनत्व या किसके अंदर साउंड ज्यादा होता है, तो हम क्या याद रखेंगे, नमी वाली हवा में। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी उनके फैक्टर्स की, तो अब आगे बात आती है लक्षण यानी उनके फीचर्स की। सबसे पहली बात हम यहाँ पर करते हैं पिच की, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है इसके ऊपर, पिच जिसे हम कहते हैं तारतव। देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछते हैं, तारतव का मतलब समझिए, तारतव का मतलब होता है कि आवाज के पतली और भारी होने के ऊपर जो प्रभाव डाले उसे हम नाम दे देते हैं पिच यानी तारतव। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है शेर की दहाड़ में और मच्छर के दिन बिनाने में किसका पिच या तारतव ज्यादा होता है, तो हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो तारतव क्या है, किसी भी चीज का मोटा या पतला होना, यानी हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं पिच का मतलब ये पाई जाएगी दो प्रकार की, एक होगी पतली, पतली को हम कह देते हैं श्रिल, और एक आवाज होती है हमारी मोटी, जो ध्वनि का प्रभाव होगा मोटी, जिसे हम कह देते हैं ग्रेव। अच्छा अब देखो पतली आवाज कब होती है, जिस समय पर हमारी पिच ज्यादा होगी उस समय पर आवाज कैसी आएगी, पतली, और जिस समय पर हमारी पिच होगी कम उस समय पर आवाज आती है मोटी। तो जनरल सी बात यहाँ पे याद रखो, शेर की दहाड़ में, दहाड़ में क्या होता है, भारीपन होता है, तो हम याद क्या रखेंगे, शेर की दहाड़ के अंदर तो पिच होता है कम, और मच्छर के भिनभिनाने में कान में लगती है ना आवाज, तो मच्छर के भिनभिनाने में हमारी पिच होती है ज्यादा। सेम वैसे यहाँ पर यह भी याद रख लो कि पतली पिच, यानी जब पिच की बात करें तो पिच सबसे ज्यादा किसमें होती है, फीमेल्स यानी महिलाओं के अंदर और चिल्ड्रंस के अंदर, तो इसके अंदर तो हमारी पिच का लेवल क्या होगा, हाईली होगा, और मोटी की बात करें तो ये लेवल पाया जाता है मेल के अंदर, तभी पुरुषों की आवाज भारी रहती है। देखिए अगर हम इसके दूसरे लक्षण की बात करें, दूसरा लक्षण आता है इसके अंदर तीव्रता यानी इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी को मापने के लिए हम यूनिट का प्रयोग करते हैं डेसिबल का, और डेसिबल के लिए प्रयोग किया जाता है हमारे एक भाग जिसका नाम है बेल का। यहां से याद रखें जो एक बेल है वो एक बेल बराबर होती है 10 डेसिबल के। अब देखो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं फुसफुसाहट में बात आती है, यानी खुसुर फुसुर करने में, छोटे छोटे धीरे धीरे हम बात करते हैं ना उसमें, तो बात आती है 10 से 20 डेसिबल की, सामान्य बात करते हैं तो 35 से 40 डेसिबल, और अगर हम थोड़ा गुस्से से बात करते हैं तो 40 से 50 डेसिबल। ज्यादा जोर लगाकर बोलने में, हम आवाज लगाते हैं ना, लाउड बोलते हैं, तो उसमें हम बात आती है हमारी 50 से 90 डेसिबल की। डीजे वगैरह चलाते हैं पार्टीज में, उसके लिए आवाज वॉल्यूम रहती है हमारी 90 डेसिबल की। अगर हम यहाँ तक बात करें, ये तो नॉर्मल होती है कि हमारे कान यानी मनुष्य के कान इतने सहन कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ी इरिटेशंस होने लग जाती है। इरिटेशंस किस वजह से होती है, ट्रेन के हॉर्न से, रॉकेट उड़ने से, मिसाइल के उड़ने से, उन सभी से। तो ट्रेन हॉर्न की आवाज होती है 110 डेसिबल और मिसाइल्स के लिए होती है 180 डेसिबल। तो ये सारी के सारी डेसिबल है, थोड़ा सा आप याद कर लेना इनको, क्योंकि ये पेपर में आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अलावा तो गांव और शहरों की बात आ जाती है, अर्बन रूरल एरिया की। गांव और शहर की बात करें, देखो गांव में थोड़ा कम आवाज रहती है यानी 45 डेसिबल, और शहरों की बात करें तो ये रहती है 55 डेसिबल के बीच में। तो ये सारे के सारे किसकी क्वांटिटी होगी, तीव्रता जो हमारी ध्वनि की पाई जाती है। ठीक है, अब बात आती है प्रतिध्वनि की। प्रतिध्वनि का मतलब होता है कि हम बोलते हैं दीवार से टकरा कर वापिस आवाज हमारे पास जो आती है उसे कहा जाता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि इतना याद रखना, जो भी खाली जगह हो गई आपकी उधर, या फिर हिल स्टेशन की बात करें उस एरिए में, किसी माउंटेन की बात करें उस एरिए में, या ऊंचाई पर बात करें उस एरिए में, तो वहां पे क्या पाई जाती है, ज्यादा मात्रा में प्रतिध्वनि हमें सुनने को मिल सकती है। अगर प्रतिध्वनि की बात करें हमारे बोलने में, और जो दीवार की दूरी है उन दूरी होती है 6.6 मीटर, तो एग्जैक्ट क्या पता, एक अप्रोक्सीमेटली पूछ रहे हैं तो हम याद कर सकते हैं 17 मीटर तक पाई जाती है। ये दूरी बताई है मैंने आपको, बोलने से लेकर दीवार के वापस आने तक की दूरी हो जाएगी। और साथ में इस प्रतिध्वनि का हमारे कानों तक, यानी कानों के अंदर जो प्रभाव रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है, या जनरल हम इसको लिख सकते हैं 0.1 सेकंड तक हमारे कानों में प्रतिध्वनि का प्रभाव रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि ध्वनि के ऊपर बात करें तो किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, तो आपसे पूछ लेते हैं ध्वनि का प्रभाव किसने बताया, अफेक्ट ऑफ साउंड किसने बताया था, वो बताया था डॉपलर ने, ये ध्यान रखना। तो डॉपलर ने किसका प्रभाव दिया था,
ध्वनि का प्रभाव दिया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं आगे अगली वीडियो के साथ।